देख रहे हैं निजाम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान काशिफ हसन। इस वक्त मैं अल्फिज गार्डन फेस टू में मौजूद हूं, जहां पर शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। इफ्तार डिनर में अल्फिज गार्डन के चेयरमैन शेख अहमद दाऊद, एमडी मोहम्मद इब्राहिम दाऊद, कंट्री हेड हाफिज अब्दुल सत्तार, अकील डार सीईओ डार प्रॉपर्टी, डायरेक्टर डार प्रॉपर्टी फखर अजीम, कलीमुल्ला सीईओ फॉर्च्यूनर, इन्वेस्टर और डीलर के अलावा मेहमानों की कसीर तादाद मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंट्री हेड अल्फिज गार्डन फेस टू के हाफिज अब्दुल सत्तार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले हम आपको मुबारकबाद भी देंगे, आप उम्रा भी करके आए हैं। जी खैर मुबारक जी। सर क्या कहेंगे जो आज शानदार जो इफ्तार डिनर का आपने यहाँ पर इंतज़ाम किया, उस वाले से क्या कहेंगे आप? जी इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सब दोस्तों का शुक्रिया जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे इस इवेंट को रौनक बख्शी उन्होंने। माशाल्लाह अच्छा इंतज़ाम था खाने का भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गेट टुगेदर था बिज़नेस कम्युनिटी का जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो इन्वेस्टर्स भी थे, डीलर्स भी थे, कस्टमर्स भी थे, तो हमने सबको इन्वाइट किया हुआ था जो अल्फीज़ से जुड़े हुए दोस्त हैं। तो बाहर से भी मुख्तलिफ़ टाउन से जो काम करने वाले अहबाब हैं वो भी आए हुए थे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट रहा, बड़ी मस्त वैल्यूएबल टाइम। जी नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डार प्रॉपर्टी के सीईओ अकील डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जनाब सर, आज जो ये शानदार अल्फिज गार्डन फेस टू में शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है, क्या कहेंगे इस वाले से आप? ये मैं पहले तो सब लोगों का शुक्रिया, सब दोस्तों का जो हमारे कहने पर तशरीफ़ लाए। बेसिकली ये मिल बैठने का बहाना है, और मैं कहता हूँ एक एनवायरनमेंट अच्छा था, हमने कहा चलो मिल के रोज़ा इफ्तार करते हैं, नेकियां बांटते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर डार प्रॉपर्टी फखर डार अजीम, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह पाक का शुक्र। सर आज जो शानदार डिनर का यहाँ पे इफ्तारी डिनर का एहतमाम किया गया है, उसके पीछे क्या है, यहाँ पर बड़ा कामयाबी है और आपकी कोई नई चीज़ें आप ईद पर लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे सब चीज़ों के बारे से आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ये हमने इफ्तार डिनर किया है जो डीलर हजरात भाइयों के लिए और हमारे जो अल्फीज गार्डन के क्लाइंट्स हैं उनके लिए। तो सर इस इफ्तार का इवेंट का रखने का मकसद ये है कि लोगों का को इफ्तार करवाया जाए, उनके रोज़ा खुलवाया जाए। ये नेक काम भी, नेक अमल भी है जी, तो इंशाल्लाह ताला सर। और दूसरी बात ये है कि अल्फीज गार्डन में सर यहाँ पे आपको भी पता है कि हमारे साथ आप काफ़ी अरसे दे जा रहे हैं हमारे साथ, तो हम यहाँ पे फ़क्तन फ़क्तन डीलर दे रहे हैं। आज भी कुछ तकरीब में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर अनाउंस हो इंशाल्लाह ताला, वो इंशाल्लाह इवेंट के हवाले से आपको साथ बताते जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद काफ़ी डील्स हैं ईद के बाद जो हैं वो लोगों को दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जी फॉर्च्यूनर रियल एस्टेट के सीईओ कलीमुल्ला जफर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाज साहब। सर आज का जो अल्फिज गार्डन फेस टू में शानदार डिनर और इफ्तार का इस्तेमाल किया गया है, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई जी आज हमने इफ्तार पार्टी की है, अपने जितने भी इन्वेस्टर थे, अपना जो दोस्त थे उनको सबको बुलाया, तकरीबन 400 से 500 बंदे का रेंज है इंशाल्लाह। तो अभी लोग आ रहे हैं, बस हमारा फंक्शन शुरू होने वाला है, तो ये इफ्तार पार्टी है। इसी बहाने में रमज़ान में कुछ लोग नहीं मिल सके, आपस में मिलेंगे भी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है सब मिलेंगे, गप सप लगाएंगे, इफ्तारी भी करेंगे, आप लोग भी करेंगे हमारे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, डिफरेंट है, सारे पार्टनर्स को इन्वाइट किया इन लोगों ने, और अच्छी गैदरिंग है ये। तो अभी ये जो अनाउंसमेंट्स करेंगे हम भी वही सुनने आए कि इनके क्या फ्यूचर प्लान है। तो आप इसकी लोकेशन के वाले से क्या कहेंगे? लोकेशन इसकी बड़ी अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे अभी लिया है। एक हमारा घर यहाँ पे था तकरीबन एक साल पहले था, लेकिन अभी हमने दोबारा ये ज़मीन होल्डर्स के थ्रू यहाँ पे 6 मरले का एक प्लॉट लिया और एक और लिया है, और यहाँ पे बस ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। आए अपनी खुशियों को और भी मीठा बनाए, फजल स्वीट्स एंड बेकर्स 1930 से आपके हसीन लम्हों में खुशियों की मिठास लिए, शहद जैसी मिठास, सच्चा देसी स्वाद, मुनफरिद जायका और नफासत में सबसे जुदा, और क्वालिटी भी सबसे आला। हमारी क्वालिटी की मिठाइयों में आपका साथ हमेशा रहा है। फजल स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से सबको ईद मुबारक।